iti praṇaya-baddhābhiḥ gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam pāyayitvā stanaṁ mātā sannyaveśayad ātmajam śrī śukadeva iti praṇaya-baddhābhiḥ gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam pāyayitvā stanaṁ mātā sannyaveśayad ātmajam śrī śukadeva praṇaya-baddhābhiḥ ātmajam śrī śukadeva iti praṇaya-baddhābhiḥ gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam pāyayitvā stanaṁ mātā sannyaveśayad ātmajam śrī-śukaḥ iti praṇaya-baddhābhiḥ gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री वाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की श्री शुका उवाचा श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा इति इस तरह प्रणय बद्धा भी मात्र स्नेह से बंधे हुए गोपी भी यशोदा आदि प्रौण गोपियों के द्वारा कृत रक्षणम बालक की रक्षा करने के लिए सभी उपाय किए गए पाययित्वा इसके बाद बालक को पिलाकर स्तनम स्तन माता माता यशोदा ने सन्यवेशयत बिस्तर पर लिटा दिया आत्मजम अपने बेटे को। अनुवाद श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थीं। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। कृपया दोहराए श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थीं। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तात्पर्य जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पीता है तो यह स्वस्थता का शुभ लक्षण है। इसलिए वृद्धा गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से ही संतुष्ट नहीं हुई अपितु उन्होंने इसकी भी परीक्षा की कि उनके बालक का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। जब बालक ने स्तन से दूध चूसा तो इससे पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ है और जब गोपियां पूरी तरह तुष्ट हो गईं तो उन्होंने बालक को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
Neham Shri Gura Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Diyabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Apanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishchaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Vinidhi Namine Namaste Sarasvate Devi Auravani Prachine Visheshnevadi Paschadeshada Nityanda Shri Vaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Iti praṇaya baddhābhir gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam pāyayitvā stanaṁ mātā sannyaveśayad ātmajam Śrīla Śukadeva Gosvāmī ne aage kaha mātā Yaśodā samet sari gopiyan mātra sneh se bandhi hui thi is tarah balak ki raksha ke liye mantra uchcharan ke baad mātā Yaśodā ne bacche ko apna doodh pilaya aur use bistar par lita diya to jaise ki Śrīmad Bhāgavatam dasham skandh chhata adhyay pūtnavat chal raha hai is adhyay ki shuruaat mein परीक्षित महाराज को जब पता चला कि किस प्रकार से पूतना गोकुल में अलग अलग प्रकार के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रही है तो बहुत चिंतित हो गए परंतु इस अध्याय की शुरुआत में ही श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने उनको एश्योरेंस दी कि जहाँ कहीं भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होता है वहाँ किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं और यहाँ पर तो साक्षात कृष्ण स्वयं ही उपस्थित हैं तो इस श्लोक में आइए एक बार पहले शब्दार्थ देखते हैं जैसे इसमें पहला ही शब्द है इति प्रणय बद्धाभीर प्रणय प्रणय का अर्थ क्या होता है ये प्रणय शब्द पूरे श्रीमद् भागवतम में अक्सर यूज हुआ है भीष्मदेव की प्रार्थनाओं में प्रणय निरीक्षण कल्पितरो मानः उसके बाद अर्जुन भी जब युधिष्ठिर महाराज जब वो आते हैं द्वारका से वापस तो बताते हैं कृष्ण को विस्तृत करते हैं प्रणय प्रणय औतकंठया कातरः और इसी प्रकार से देवहूति माता कदम कर्दम मुनि के बारे में भी इस प्रणय शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो प्रणय का अर्थ है बहुत ही प्रेम के साथ प्रेम और भक्ति के साथ तो यहाँ पे इति प्रणय आदिभीर इति प्रणय बद्धाभी तो प्रणय तो जितनी भी गोपियां हैं विशेषकर माता यशोदा वो प्रणय बद्धाभी बंधी हुई हैं किनके साथ प्रेम के साथ मातृ स्नेह तो जितनी भी गोपियां हैं वो मातृ स्नेह से कृष्ण के साथ बंधी हुई हैं तो इसलिए उन्होंने क्या किया इस मातृ स्नेह के कारण कृत किया श्रद्धा शब्द विश्वास कहले सुदृढ़ वृश्चय कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होए कृत मतलब करना क्या करना रक्षणम बालक की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए और पिछले श्लोक में वर्णन आता है उन्होंने क्या क्या किया बालक की रक्षा के लिए सबसे पहले गाय की पूंछ लेकर को कृष्ण के शरीर पर लगाया गाय के मूत्र से हम जरा सा काउ यूरिन
कई लोग स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, परंतु यहाँ पे गाय के मूत्र से पूरा उनका अभिषेक किया गया, अच्छे से नहलाया गया। उसके बाद विष्णु के अलग अलग मंत्रों का नाम उच्चारण किया गया, उन कृष्ण के शरीर के अलग अलग हिस्सों की रक्षा करने के लिए। और पिछले तात्पर्य में हमने देखा कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद इस बात पर बहुत बल देते हैं कि वैदिक सभ्यता में इन दो चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता है, एक गायों की सुरक्षा के लिए कि गायों की सुरक्षा से हमें किस प्रकार अलग प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और विष्णु नाम के मंत्र उच्चारण करने से। तो कृत-रक्षणम, उसके बाद पाययित्वा। पाययित्वा का अर्थ क्या है? पाययित्वा भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, विशेषकर दशम स्कंध में, कि जब कृष्ण बलराम अपने गायों और ग्वालों के साथ जाते थे यमुना नदी के तट पर, तो गायों ग्वालों को यमुना नदी का पानी पीने देते थे। इसी प्रकार से मोहिनी मूर्ति भी ने भी देवताओं को अमृत पिलाया। तो यहाँ पाययित्वा मतलब पिलाना। क्या पिलाना? स्तनम माता, अपने स्तन पान कराया, स्तन से दूध पिलाया। किस लिए पिलाया? ये चेक करने के लिए कि कृष्ण सुरक्षित हैं या नहीं। तो ये छोटे बच्चों को चेक करने का कि बच्चा कितना स्वास्थ्य है, अगर वो माता का स्तनपान कर रहा है तो हाँ उसका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर नहीं कर रहा तो कुछ, यानी उसका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कि वो मात्र मंत्र उच्चारण करने से संतुष्ट नहीं थी, परंतु वो ये भी चेक करना चाहते थे कि वास्तव में कृष्ण स्वस्थ हैं या नहीं। और जब उन्होंने स्तनपान किया तो सारी गोपियां बहुत संतुष्ट हो गईं। इसलिए इसके बाद उन्होंने क्या किया? सन्यावेशयत, लिटाना, शयन देना। किनको? आत्मजम। आत्मजम का अर्थ है अपना ही पुत्र। आत्मजाम मतलब पुत्री, जैसे मनु की पुत्री कौन थी? देवहूति। और यहाँ आत्मजम यानी माता यशोदा ने अपने पुत्र को बिस्तर पर लेटाया। तो मुख्यतः इसमें से मैं तीन या चार पॉइंट्स जो मेरे को मैंने प्रिपेयर करके आया, जो मेरे को समझ आए इस प्रसंग से। तो पहला कि किस प्रकार से पूतना एक बहुत ही आकर्षक रूप धारण करके आई थी, परंतु जैसे ही कृष्ण ने उनका स्तनपान किया वो अपने असली रूप में बाहर आ गई। तो हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज अक्सर एक स्टोरी सुनाया करते थे। वो स्टोरी क्या थी? उन्होंने उदाहरण देते थे फल का। वो कहते थे जैसे मान लीजिए ये एक फल है, इसका नाम क्या है? कीनू। इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? किसका जूस निकलेगा? कीनू का जूस निकलेगा। और साथ में अगर ये है एप्पल, सेब, अगर सेब को प्रेस करेंगे तो कौन सा जूस निकलेगा? एप्पल का। ऐसा हो सकता है कि मैं इसको प्रेस करूं तो कीनू का जूस निकल आए इसके अंदर से, प्राकृतिक रूप से नहीं, या मैं इसको प्रेस करूं तो एप्पल का जूस निकल आए, नहीं। ऐसा क्यों? कीनू को प्रेस करने से अंदर से कीनू का ही जूस निकल रहा है। हाँ, तो भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे क्योंकि इसके अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से वो धारण देते थे कि अगर हमें दबाया जाए, दबाने का मतलब क्या है? प्रेशर में डाला जाए तो अंदर से क्या निकलेगा? जो होगा वही निकलेगा। तो कहते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दबा रहा है। दबाने वाले माता पिता भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और दबाना मतलब मान लीजिए आप किसी को ऐसे शब्द बोले गए जो उसको हर्ट करते हैं, या ऐसे परिस्थिति में डाला गया जो जैसा वो नहीं चाहता था, कोई भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांस में डाला जाए तो
तो अंदर से क्या निकलेगा? तो उनका अगर हमारे हृदय में वास्तविक में प्रेम है तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रेम ही निकलेगा, परंतु अगर अंदर में क्रोध है, ईर्ष्या है, निंदा है, अगर इस प्रकार से भरा हुआ है तो वही बाहर निकलेगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि हमारे अंदर क्या है ये किस पे निर्भर करता है, ये चुनाव व्यक्ति के खुद का होता है कि उसने अपने अंदर क्या डालना है। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब एक बार भक्त को भक्ति लता का बीज प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको बगीचे में ट्रांसफॉर्म करना, श्रवण कीर्तन से उसका सिंचन करना, वैष्णव अपराध हाथी से अपने पूरे गार्डन की सुरक्षा करना, ये सब उस साधक का कर्तव्य है। तो पहला पॉइंट लगा जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो यहाँ पूतना बाह्य रूप से चाहे कैसी भी थी, परंतु जब उसको प्रेशर में डाला गया, दबाया गया, तो वो अपने असली रूप में सामने आ गई। अब इसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में देखते हैं चैतन्य चरितामृत में जब प्रसंग आता है कि किस प्रकार से एक बार मुकुंदत गदाधर पंडित को कहते हैं कि आओ आज हम तुम्हें एक वैष्णव के दर्शन कराने जाएं, एक बहुत ही महान वैष्णव, वो थे पुंडरिक विद्यानिधि। और जब उनके पास गए तो उन्होंने देखा बाह्य रूप से वो बहुत ही रेशमी बिस्तर पर आराम से लेटे हैं, बहुत ही सुंदर आकर्षक वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत ही सुगंधित तेलों से मालिश की हुई है, मुंह में पान है, सुपारी है, कई नौकर चाकर उनको चामर ढुला रहे हैं। तो गदाधर पंडित के मन में संशय आ गया कि ये तो विषयी हैं, ये कैसे वैष्णव हैं। तो मुकुंदत इस बात को समझ गए और उन्होंने इस श्लोक का, इसी पूतना के प्रसंग से श्लोक का उच्चारण किया। अहो बकीयम स्तन काल कूतम जिंगा मया पयत अपि असाध्वी लेभे गद्रिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेना। कि जो भगवान कृष्ण है उनसे बढ़कर शरण, उनसे बढ़कर कृपालु कौन है जिनकी मैं शरण ले सकता हूँ। जो उनको विष पिलाने पूतना आई उनको भी उन्होंने माता धात्री का स्थान प्रदान किया। श्री श्री राधा राधिका रमन श्री श्री कृष्ण बलराम गौर नेता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शिला प्रभुपाद की। जैसे ही उन्होंने इस श्लोक को सुना और उसमें भगवान कृष्ण के कृपामय जो उनका गुण है उसका वर्णन किया, तो क्या हुआ? सुनीला मात्र भक्ति योगे रावण विद्यानधि लागी लेना करीते क्रंदन नयने अपूर्वा वाहे श्री आनंद धारा येना गंगा देवी रे हैला अवतारा अश्रुकंप स्वेदा मूर्छा पूला का हुंकार एका काले हैला सा बारा अवतारा। जैसे ही उन्होंने ये वर्ण सुना उनके आंखों से इस प्रकार से आंसू बहने लगे कि जैसे साक्षात गंगा देवी वहां प्रकट हो गई हो। और जितने भी प्रेम के 8 लक्षण हैं, अश्रुधारा, शरीर में कंपन होना, पसीना आना, चेतना खो जाना, शरीर पे बालों का खड़ा हो जाना और जोर से हुंकार लगाना, ये सारे जो प्रेम भक्ति के लक्षण हैं उनके शरीर में प्रकट हो गए। बोला बोला बलि महा लागी ले गर्जीते स्थिरा हैता ना पारीला पड़ीला भूमिते। और जोर जोर से गरजने लगे, इस श्लोक को दोहराते रहो, बोलते रहो, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। लाठी आछाद्र्य घावे यते का संभारा भांगीला सकाले रक्षा नाही कर आरा। सारे वहां पे जितने पैराफेनेलिया था उनको उन्होंने जोर से तोड़ा। कोथा गेला दिव्य बात दिव्य गुया पाना कोथा गेला झारी याते करे जल पाना। जो पान का कंटेनर था उसका क्या हुआ, पान का क्या हुआ, वहाँ पे जो पानी जल कर रखे थे उसका क्या हुआ। तो इस प्रकार से जो उनके अंदर वास्तविक प्रेम था, तो एक तरफ पूतना है जो बाह्य रूप से आकर्षक थी परंतु अंदर से डायन थी, तो वो उसका असली रूप बाहर आ गया। और एक तरफ पुंडरिक विद्यानिधि थे जो बाह्य रूप से एक बहुत ही
विषयी जैसे दिखने वाले दिखने से, परंतु उनके हृदय में जो असली भाव थे वो प्रकट हो गए। तो भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे जो अंदर है वही बाहर होगा। दूसरा, इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि वृद्ध गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंत्र उच्चारण से संतुष्ट नहीं हुई, साथ में वो ये भी जानना चाहते थे कृष्ण वास्तव में स्वस्थ है या नहीं। तो इसी को कहते हैं असेसमेंट। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते थे कि हर एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, आत्मलोकन, कि पिछली एकादशी से नेक्स्ट एकादशी तक मैंने कितना प्रगति किया है। तो सिर्फ मंत्र उच्चारण हम जब कर भक्ति अलग अलग विधियों का पालन कर रहे हैं तो मात्र उनका पालन करना बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे एक कदम आगे है कि इस बात की भी गणना करना कि कितना वह उसको इफेक्टिवली रिजल्ट आ रहा है हमारे जीवन में। तो भक्ति में जीवन आध्यात्मिक जीवन के अंदर कुछ कुछ असेसमेंट क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं जिसपे हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकें। कृष्ण भक्ति में, भक्ति के प्रति, भक्ति में सेवा के प्रति कितना आकर्षण है वो, ठीक है, और अर्च विग्रहों के सामने आके क्या प्रार्थना करते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें असेसमेंट करना चाहिए। ठीक, क्वालिटी ऑफ प्रेयर्स, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उनके रिलेटेड विरक्ति, ठीक है, हाँ, डीलिंग विद डिवोटीज, क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। कई शास्त्रों में आपको कोई श्लोक पता है जहाँ पे बताया गया हो कि आध्यात्मिक जीवन के क्या इवेल्युएशन पैरामीटर्स हो सकते हैं? भक्ति परेशानुभाव विरक्तिर अन्यत्र च। तो अलग अलग प्रकार से निश्चित रूप से वैल्युएट कर सकते हैं, चाहे उपदेशामृत में है वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, हमारे उत्साह निश्चय धैर्य, या जो भक्ति में हानिकारक उसमें कितना छोड़ रहे हैं। पर्सनली मुझे दो चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियरली चीज़ों को एसेस करने में बहुत हेल्प करती हैं। एक जगह भीष्मदेव की प्रार्थनाओं के सेक्शन में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं अगला जीवन किस चीज़ पर आधारित होगा। मृत्यु के समय जब व्यक्ति मरणासीन पर हो उस समय व्यक्ति को किन विषयों में रुचि है, वट आर द सब्जेक्ट मैटर्स दैट अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन वाइल बींग सिचुएटेड एट द मोमेंट ऑफ डेथ, दैट डिसाइड्स इज नेक्स्ट लाइफ। तो प्रेजेंट के अंदर मेरी अभी में रुचि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स में ज़्यादा है, क्या वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा है या दूसरे भक्तों के जीवन के बारे में सुनने में ज़्यादा है, फिलॉसफी में ज़्यादा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज़्यादा है, तो कौन सा सब्जेक्ट मैटर मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरा उत्साह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ज़्यादा है या भगवद गीता खोल के उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट करता है, तो पहला। और एक दूसरा, जिस भी चीज़ से मेरे को अभी सेपरेशन फील हो रहा है, किस चीज़ से मेरे को विरह वर्तमान में फील हो रहा है, तो ये भी बहुत क्रिस्टल के लिए डिफाइन कर देता है। क्या मेरे को अगले दिन मंगल आरती में आने के लिए विरह होता है रात में, कब सुबह होगी, कब दर्शन खुलेंगे मैं जाऊँगा, कब संकीर्तन में जाके मैं नृत्य करूँगा, या कैसा ही विरह, अगर घर में मोबाइल फ़ोन छूट जाए और माला भी छूट जाए, मान लीजिए कोई बैग छूट गया, उस बैग के अंदर माला है और मोबाइल फ़ोन है, और आगे गाड़ी में जाने के बाद पता चला मेरा वो बैग छूट गया, तो किस चीज़ के लिए ज़्यादा विरह होगा, मोबाइल फ़ोन छूटने का या बीट बैग छूटने का। तो कौन सा सब्जेक्ट मैटर में ज़्यादा मेरी रुचि है और कौन सा किस चीज़ से मुझे सेपरेशन फील हो रहा है, वृंदावन धाम से सेपरेशन फील होता है नहीं, या घर से ज़्यादा सेपरेशन फील हो रहा है, कुछ भी, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो मुझे लगा
कि श्रीला यशोदा माता जी ने हिज ग्रेस मोहन प्रभु अक्सर बताते हैं कि यशोदा माता क्यों है, बिकॉज शी हैज परचेस्ड एंजाइटी फॉर कृष्णा. तो एक साधक के जीवन में चिंता से उसका कैसा संबंध होता है? अगर कोई यशोदा माता को इतना गुणगान करते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम है यशोदा माता को, यशोदा नंदन. चैतन्य महाप्रभु कहते थे मेरे को सिर्फ दो ही नाम कृष्ण के पसंद हैं, कौन कौन से? श्याम सुंदर और यशोदा नंदन. तो अगर ऐसा आपको मौका मिले कि कृष्ण की माता या उन्हीं के अतिरिक्त गोपी बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो यशोदा माता के किन किन चिंताओं का सामना करना पड़ता था, एक पल के लिए भी वो चिंता से मुक्त नहीं थी. टोटल एब्जॉर्प्शन कि कृष्ण अगर जंगल में गए हैं तो कुछ खा पी तो रहे हैं, कृष्ण स्वस्थ तो हैं, कोई असुर अटैक तो नहीं कर रहा. और देखते हैं चाहे कालिया लीला हो, जब उनको त्रिनावत उठा के ले गया हो या पूतना हो, एक के बाद एक उनको कृष्ण की चिंता सताती है. तो जैसे हम ये शब्द सुनते हैं चिंता, तो अंदर से थोड़ा रेजिस्टेंस आया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत चिंतित हूँ और चिंता मेरे को जीवन में स्वीकार नहीं करनी. तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं कि एक साधक का चिंता के साथ क्या क्या संबंध होता है. आपको क्या लगता है, चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं या नहीं? अगर हम आध्यात्मिक जीवन अपना रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, हम वैकुंठ की ओर प्रगति कर रहे हैं, तो क्या हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, आप आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने से पहले ज़्यादा चिंतित थे या आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने के बाद ज़्यादा चिंतित हैं? तो क्या फ़ायदा है ना? तो पहले भौतिक चीज़ों को लेके ज़्यादा चिंतित थे, अभी चिंता रहती है, 16 माला रीडिंग नहीं हुई, फिर एक क्लास में जाना है, फिर मैराथन करना है. तो प्रभुपाद बताते हैं एक भक्त भी चिंता करता है, और वो उदाहरण देते हैं, इसी बात का उत्तर देते हुए उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज का. तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? नैवोद विजय पर दुरत्यया वैतरण्यस, कि ये पूरा संसार चिंताओं से ही भरा हुआ है, परंतु मैं इससे भय नहीं करता. क्यों? त्वद्वीर ये गायन महामृत मग्न चित्ता, क्योंकि मैंने आपके इस महामृत मग्न चित्ता, जो मेरा चित्त है, आपकी आपके जो यशस्वी कार्य हैं उसमें रक्त है, तो मैं एक अमृत के महासागर में तैर रहा हूं, इसलिए इस संसार की चिंताएं मुझे परेशान नहीं करती. तो कह रहे हैं देन वाई यू आर, यू अपीयर टू बी वेरी एंशियस, वाई यू आर एंशियस, परंतु आप तो चिंतित दिखते हो. हां मुझे चिंता है, कौन सी चिंता? सोचे ततो विमुख चेतसा, मैं ऐसे लोगों के लिए चिंतित हूं जो आपको भूले हुए हैं, जो कृष्ण भावना मृत से विहीन है. सोचे ततो विमुक्त चेतसा, इंद्रियार्थ माया सुखाया भरम उद्वतो विमूढ़ान. तो भक्ति में प्रगति का क्या एक लक्षण है, व्यक्ति जितना ज्यादा भक्ति के सुख का आनंद प्राप्त करता है, साथ ही साथ वो उतनी ही चिंता भी अपने हृदय में विकसित करता है. चिंता किसके लिए? अन्य ऐसे लोगों के लिए जो कृष्ण भावनामृत से विमुख हैं. अभी आप देखेंगे जैसे शिला प्रभुपाद की चिंता क्या थी. शिला प्रभुपाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स बढ़ाते जा रहे थे. क्यों? क्या व्यक्तिगत लाभ के लिए? नहीं, एकमात्र उनकी चिंता क्या थी कि कैसे जो इतने जीव हैं जो कृष्ण से विमुक्त हैं उनको भक्ति में लगाया जा सके. शिला प्रभुपाद जी के शिष्य
जायम देखे परम पूजने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, परम पूजने जयपदा का स्वामी महाराज को, जुलनस राधानाथ स्वामी महाराज को, इतने एडवांस्ड एज में होते हुए भी अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं जैसे जैसे उनका आयु बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है उनका एंगेजमेंट, उनके जिम्मेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य को स्वीकार करना, तो एक तरह से चिंता को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। और चाहे उन्हीं के फॉलोअर्स को भी देखें, यहाँ पे हम देखते हैं अभी मैराथन हुआ, तो चाहे करुणा चंदपूत है, विष्णु स्वरूपूत है, प्रतिदिन सुबह सुबह जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, रोहिणी मंदिर का निर्माण, हमेशा इस चिंता से युक्त है ना। सुंदर कृष्णपू बैठे हैं, रोज उनको चिंता है कि भक्तों को प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, कैसे बाहर खिचड़ी का वितरण होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चिंता को स्वीकार करना अपने समाज में। देखते इतने सारे लोग अभी अजनेता है प्रभु मूल्य कृष्ण, रोज चिंता है कि भगवान की सेवा ठीक रूप से, नियमित रूप से, प्रॉपरली हो सके। तो उनकी चिंता किसके केंद्र पे है? कृष्ण के केंद्र पे। और कैसे इस कृष्ण कृपा को ज्यादा से ज्यादा वितरित किया जाए। और आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत मेंटेनेंस के लिए जितना व्यक्ति प्रगति करता है उसकी उतनी चिंता कम होती रहती है। और साथ ही साथ स्तनपान से संबंधित बताते हैं कि जैसे शिशु स्तनपान सही रूप से कर लेता है, इसका मतलब शिशु स्वस्थ है। श्रीला प्रभुपाद इसे उदाहरण भी देते थे कि ये कैसा चमत्कार है कि माता के स्तन में दूध नहीं होता, परंतु जैसे ही कृष्ण, जैसे ही शिशु की उत्पत्ति होती है तो कहाँ से उनके स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता है। एक शिशु का जन्म होना ही ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। तो अगर हम अपने चारों ओर नजर घुमाएं तो देखें कि पूरा का पूरा प्रकृति चमत्कार से ही भरा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं वृक्ष, ये वृक्ष कैसे बड़ा हो रहा है, इसके अंदर कैसे पत्ते झड़ते हैं, फिर फ्रेश लीव्स आती हैं। अपने शरीर को देखें, हमारा शरीर कैसे निरंतर परिवर्तन हो रहा है, कैसे हम खाना मुँह में डालते हैं वो अलग अलग पदार्थ शक्तियों में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखेंगे अगर ध्यानपूर्वक हम मेडिटेट करें तो पूरा का पूरा कृष्णा की जो क्रिएशन है इट इज फुल ऑफ मिराकल्स। तो यही मेरे कुछ विचार थे इस प्रसंग से और आज के श्लोक से। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो दे सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपका पहला पॉइंट था अंडर प्रेशर हमारा एक्चुअल निकल के आता है, इट्स वेरी फैक्ट। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अभी तो हमारे अंदर मिक्सचर ही है, अभी हमारे अंदर अच्छी भावनाएं भी हैं, दुर्भावनाएं भी हैं, और श्रवण कीर्तन से तो अपनी अच्छी भावना को बढ़ा ही सकते हैं। साथ ही साथ अपनी डीलिंग्स में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट आल्सो विल इम्प्रूव अवर इंटरनल फीलिंग्स। ऐसा नहीं कि जो फीलिंग्स है वो डीलिंग्स में लाऊंगा ही लाऊंगा, जो अंदर है वो ही बाहर आए। अगर हम इसमें थोड़ा सा कॉशियस भी हो जाएं तो दैट कैन आल्सो हेल्प। इंटरनली श्रवण कीर्तन का प्रोसेस तो काम करेगा ही आएगा, साथ में अपने वीक पॉइंट्स को देखकर हम उसमें काम भी करें। I think that can also help. वास्तव में देखा जाए जीवात्मा का जो मूलभूत, उसका सबसे इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जीवरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब के अंदर कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है ही है, सब जीवात्माओं के अंदर। तो इसी आध्यात्मिक जीवन में इसी का प्रैक्टिस करना है कि उस वो जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है, जो वो डिवाइनली क्वालिटीज अंदर ऑलरेडी रिसाइड करती हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके बाहर इवोक करें। थैंक यू। किसी का कोई और प्रश्न या टिप्पणी?
तो मुख्यतः चार पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया. पहला कि कैसे जो अंदर है इसको स्क्वैश करेंगे तो बाहर आएगा. आप पूरा लेक्चर भी भूल जाएं, एटलीस्ट इसको एक याद रखें कि है ना. तो कैसे जो हमारे अंदर है, जो जब हम प्रेशर कंडीशंस में होते हैं, ऑपोजिंग कंडीशंस में होते हैं, तो जो अंदर है वो बाहर आता है. तो इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है कि डिवाइनली क्वालिटीज़ को बाहर मैनिफेस्ट करें. इवन इन प्रेशर कंडीशंस वी रिएक्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ व्हाट कैन प्लीज माय लॉर्डशिप्स. दूसरा कि यशोदा माता जी ने किस प्रकार से कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया था. तो जो अध्यात्मवादी में और भौतिकवादी व्यक्ति में यही अंतर है. एक भौतिकवादी व्यक्ति भी चिंतित होता है और उसकी चिंता केंद्रित होती है उसके खुद के जीवन के ओर लेके कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सकूं, चाहे दूसरों को रौंद के, चाहे दूसरों की कॉस्ट पे. उसका सेल्फ सेंटर्ड होता है. परंतु एक अध्यात्मवादी भी हमेशा चिंतित रहता है, परंतु उसकी चिंता स्वयं को लेकर केंद्रित नहीं होती. उसकी चिंता होती है कैसे भगवान का मिशन, भगवान के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी या आनंद प्रदान किया जा सके, कैसे दूसरों की सहायता की जा सके, कैसे उनको बचाया जा सके. तीसरा हमने डिस्कस किया यशोदा माता कि कैसे जब उनके स्तन में दूध आ गया तो प्रकृति के अंदर कैसे वो पूर्ण रूप से चमत्कार से भरी हुई है. अगर हम चारों ओर नज़र डालें, विल सी मिराकल एवरीवेयर हैपनिंग इन कृष्णास क्रिएशन. और चौथा हमने डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर असेसमेंट क्राइटेरियाज को, कि सिर्फ प्रैक्टिसेस करना इट्स वन स्टेप, परंतु वो प्रैक्टिसेस हमें कितना आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं, ये रेगुलर असेसमेंट करना. जो भी चीज़ को हम असेस करते हैं वही इम्प्रूव होती है. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं रोज़ सुबह अनाउंस होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स. प्रभुपाद ने बहुत बड़ा असेसमेंट क्राइटेरिया रखा कि कोई टेम्पल कितना हेल्दी है, इस बात से पता लगाया जा सकता है कितने डिवोटीज नए लोग जुड़ रहे हैं और कितने मात्रा में बुक्स बाहर जा रहे हैं. तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ के रिलेटेड भी हमने असेसमेंट क्राइटेरियाज को डिस्कस किया. ठीक है, हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे.